हेलो स्टूडेंट, मैं फिर आपके सामने इंग्लिश ग्रामर क्लास फर्स्ट। इसके पहले देखिए, मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको समझाया था अल्फाबेट, उसके बारे में बताया कि अल्फाबेट कितने होते हैं और लेटर कितने होते हैं, दोनों में अंतर क्या है, वो चीज मैंने बताया था। फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस टाइम करवाई थी 1.1 और 1.2, ये आप मुझे होमवर्क करके दिखाएंगे। फिर सेकेंड वाला है वॉवल एंड कॉन्सनेंट, ये चैप्टर का वीडियो आप पे गया होगा, आप उसको समझिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस टाइम 2.1 जो दिया गया है यहाँ पर, इसके आपको आंसर लिखने, इसमें अगर आपको कोई भी डिफिकल्ट हो तो आप मैसेज करें, नहीं तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, तो मैं आपको फिर से समझा सकती हूँ। अब हमारा चैप्टर आ जा रहा है थर्ड, जो है नाउंस नेमिंग वर्ड्स। नाउंस मीन्स आप हिंदी में पढ़ेंगे, नाउंस मीन्स होता है संज्ञा। देखिए हर ये हमारे चारों तरफ किसी न किसी वस्तु का कुछ न कुछ नाम होता है। जैसे मेरे पास ये क्या है, बोर्ड, तो इसका एक नाम है। हाथ में मेरे क्या है, मार्कर, मार्कर का भी एक नाम है। लाइट है, टेबल है, डस्टर है, हर वस्तु का कुछ न कुछ नाम होता है। तो जो नाम होता है, देखिए ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ नाम होता है, वो क्या हो जाता है, हमारा नाउंस होता है। जिसमें हमारे कुछ पार्ट्स है, पर्सन, प्लेस, आपकी इस बुक में देखिए, आप वीडियो भी देखिए और इस बुक को भी ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए पर्सन का आपको अलग कॉलम दिया गया है, एनिमल का अलग कॉलम दिया गया है, फिर उसके बाद प्लेस है, फिर थिंग है। पर्सन मीन्स सबसे पहले आ जाता है पर्सन। पर्सन मीन्स होता क्या है, पर्सन मतलब किसी लड़की, किसी लड़के का या महान नेता का। जैसे पर्सन मान लीजिए राहुल, रीता, फिर महात्मा गांधी, ठीक। पर्सन मतलब जितने भी नाम है वो सब हमारे आ जाएंगे पर्सन में। अब ये मत सोचिए कि चेयर भी आ सकता है, फैन भी आ सकता है, नहीं, सिर्फ पर्सन मतलब व्यक्ति का नाम, जो व्यक्ति का नाम होगा वही सब पर्सन में आएगा आपके, ठीक, इतना आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आपका एनिमल, एनिमल में आपको सबको पता है कि एनिमल मीन्स क्या होता है, एनिमल मीन्स जानवर होते हैं, तो इसमें आपका आ जाता है कैट, डॉग, हैन, एलिफेंट, टाइगर, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, एनिमल। प्लेस, आप जहाँ पढ़ते हो वो स्कूल है, स्कूल हमारा क्या हो गया है, एक प्लेस हो गया, यहाँ पर स्कूल। आप जहाँ रहते हो उस जगह का नाम, जिस जगह में रह रहे हो, मान लो बदलापुर रह रहे हो या आगरा रह रहे हो या दिल्ली रह रहे हो, ये सब क्या है, जगह का नाम है, तो ये सब हमारे प्लेस में आ जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, मार्केट, ये सब क्या है, जगह के नाम, ठीक। आपके माइंड में रखेंगे कि पर्सन किसे कहा जाता है, एनिमल किसे कहा जाता है, प्लेस किसे कहा जाता है। अब लास्ट बच जा रहा है थिंक। थिंक मतलब वस्तु, किसी वस्तु का नाम। अब वस्तु में आपका क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे फैन, फैन, चेयर, और क्या हो सकता है, आपका बैग हो सकता है, बुक हो सकता है, टेबल हो सकता है, फिर और क्या हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, ये सब हमारे थिंक में आएंगे। तो आपको ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा आप डीपली मत जाइए कि मैम ने क्या समझाया, हमें कुछ नहीं समझ में आया है। बस आप पेरेंट्स, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा बच्चों को मोटिवेट करिए, अभी उनकी की शुरुआती ग्रामर है तो धीरे धीरे वो सीख सकते हैं। इसमें देखिए दिया गया नेमिंग वर्ड्स, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज अ नेम, एवरीथिंग हमारी चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी चीजें हैं, उनका कुछ ना कुछ नाम होता है। नेम ऑफ एनीथिंग इज इट्स आइडेंटिटी। इसमें देखो दिया गया दीज वर्ड्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स, जितने भी शब्द लिखे हैं वह एक किसी न किसी का नाम रहता है।
सम नेमिंग वर्ड्स, कुछ नेमिंग वर्ड्स, कुछ शब्द बताए गए हैं जिसमें लुक एट सम नेमिंग वर्ड्स। पहला है हमारा पर्सन। पर्सन में देखिए क्या दिया गया है। अब जरूरी नहीं है कि राहुल गीता नाम ही आए, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, बार्बर, कोबलर, ये सारे नाम भी इसमें आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पर्सन है। याद रखिए यहाँ पर लिखिए, आपको मैं लिख दे रही हूँ टीचर, फिर यहाँ पर लिख दे रही हूँ डॉक्टर, आपका आ जाएगा बार्बर, ऐसे करके आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा गया नेम्स ऑफ पर्सन, पर्सन के नेम दिए गए। अब देखिए स्टूडेंट, हु स्टडी, स्टडी कौन करता है? स्टूडेंट करते हैं, तो स्टूडेंट हमारा क्या हुआ है? पर्सन। ओके, ये याद रखेंगे, स्टूडेंट हमारा क्या हुआ है? पर्सन। फिर डॉक्टर, हु ट्रीट्स पेशेंट, पेशेंट को कौन देखता है, पेशेंट का इलाज कौन करता है? डॉक्टर करता है, डॉक्टर हमारा क्या हुआ है? पर्सन, ये याद रखोगे। फिर फार्मर, हु ग्रोज क्रॉप्स, फसल कौन उगाता है? ये फार्मर क्या है? फार्मर मीन्स किसान होता है, तो फार्मर हमारा क्या हो गया है? पर्सन में आ गया है। फिर जोकर, हु एंटरटेन्स, कौन हमें हंसी मजाक करवाता है? जोकर, हमें खुश कौन रख रहा है? जोकर। तो ये सब हमारे इसमें हो गए हैं पर्सन में। आप ध्यान रखिए पर्सन में व्यक्ति का नाम, रीता राहुल भी हो सकती है, कार्पेंटर, डॉक्टर, ये सारी चीजें भी आ सकती है उसमें, ठीक है। अगला देखो नेम्स ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, ऑफ नेम्स ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। बुक में देखिए आपको दिया गया है चीता, द फास्टेस्ट लैंड एनिमल कौन है? चीता। टाइगर, आवर नेशनल एनिमल टाइगर। जीरा, द टॉलेस्ट एनिमल जिराफ। वेल, द लार्जेस्ट एनिमल वेल। ये सब क्या है? एक एनिमल और बर्ड्स के नेम है। अगला आपका आ जाता है, इसमें आगे भी है, देखो फैल्कन द फास्टेस्ट बर्ड, पिकॉक आवर नेशनल बर्ड, ऑस्ट्रिच द लार्जेस्ट बर्ड, हमिंग बर्ड द स्मॉलेस्ट बर्ड। इतना याद रखिए इसमें आपका एनिमल के साथ बर्ड भी जुड़ जाएगा, तो इसमें आप बर्ड्स के भी नेम लिख सकते हैं। ये याद रखिए, नाम याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेम्स ऑफ प्लेसेस, प्लेस मतलब हो जाता है आपका जगह, जगह आप पता ही है जहाँ आप रहते हैं, कोई जगह का नाम, स्कूल, मार्केट, दिल्ली, कलकत्ता, ये सब क्या है? जगह के नाम है। क्लास, क्लास का ही एक जगह हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है पार्क, स्कूल, टेंपल, सर्कस, ये सब क्या हुआ है? हमारे प्लेसेस है, मतलब जगह है। उसके बाद नेम्स ऑफ थिंग्स, थिंग्स मतलब वस्तुएं होती है, जिसमें आपका फूल आ जाता है, लोटस भी आ जाता है, अम्ब्रेला भी आ जाता है, बुक है, बस है, ये सारी हमारी क्या है? थिंग्स है। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितने भी नाम बताए गए हैं, नेमिंग वर्ड्स जितने भी नाम हुए हैं, वो हमारी क्या है? नाउन्स है। वी लर्न, लर्न में देखिए क्या दिया गया है, एवरीथिंग इन इन द वर्ल्ड हैज अ नेम, हर वस्तु का, हमारे चारों जितनी भी वस्तु है सबका कुछ न कुछ नाम है। These name can be of person, वो person भी हो सकता है, animal भी हो सकता है, bird भी हो सकता है, place हो सकता है, things हो सकता है। These names are called naming words, all naming words are called noun, जिसके ये सारे जो नाम होते हैं वही हमारे nouns कहलाते हैं, वही हमारे nouns कहलाते हैं, ये याद रखोगे। जितने भी naming words हो रहे हैं, जितने भी शब्दों के नाम बता रही हूँ, पर्सन, प्लेस और थिंक में जितने भी चीजें आ रही है, सब हमारे क्या है? नाउंस है, ठीक। अब इसमें देखिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, इसको आप घर पे जाए आराम से धीरे से पढ़ेंगे। देखिए बुक में भी दिया गया है एक एक शब्द, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो रही है आप मैसेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस टाइम 3.1 में देखिए क्या दिया गया है, टिक द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए, इसको तो आप अगले वीडियो में कर लीजिए जो मैं बनाऊंगी अभी। सबसे पहले तो आप मुझे सेकंड चैप्टर का, फर्स्ट वाला करके दिखाइए, और आपको मैंने सेकंड चैप्टर का जैसे वीडियो बताऊंगी उस हिसाब से आप सेकंड चैप्टर का भी मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है नाउंस में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है ही, व्हाट्सएप भी नंबर है, मैसेज करिए उसमें। ओके, बाय, टेक केयर।